और रिवाइज और दोनों के दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है अगर किसी को स्टूडेंट को जरूरत है तो ऑफिशियल नंबर फोर के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं ना व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर बेसिकली बीइंग कवर्ड हमने जैसे एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर कोड है लोकस्ट इन्फेस्टेशन हो गया या याकोलॉजी टॉपिक्स वाले टॉपिक एलिफेंट ऑक्सीजन बर्ड पार्क Uh, जल ही अमृत स्कीम एंड अदर थिंग्स हैव बीन कवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्रेंसिव तरीके से है इकोनॉमी इज कवर्ड आईआर आर इज कवर्ड पॉलिटी के सोशल इश्यूज के डिफेंस इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर एंड वी हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स एंड बहुत कॉम्प्रेंसिव तरीके से कवर किया गया है और सैंपल भी आपको दिखाया गया है एंड इस तरीके से हमने द दिखाने की कोशिश है कि जिस तरीके से टेबल्स हमने सैंपल नोट्स तैयार किया हुआ है जैसे कुमकी एलिफेंट के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है पॉसिबिलिटी है फॉर एग्जाम्पल जल ही अमृत स्कीम हमने इस तरीके से उसको प्रेजेंट भी करने की कोशिश करी है सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू लर्न और लर्न के साथ ही रिवाइज फ्रेंड्स जहां तक मैंने यूपीएससी की जर्नी के बारे में देखा है और पढ़ा भी रहे हैं पहले प्री प्रीमे इंटरव्यू सब कुछ दिया हुआ है मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो एक गलत फैमी में होता है कि हमें लास्ट मोमेंट में जाके इस चीज को रिवाइज करेंगे या लास्ट मोमेंट पे जाके हम पूरा मैगजीन पढ़ लेते हैं प्री प्री के लिए जो चाहिए होगा वो हम बाद में पढ़ लेंगे ये एक बहुत बड़ी गलती है फ्रेंड्स अगर अभी से आप टू द पॉइंट पढ़ते रहेंगे प्री स्पेसिफिक दिस इज अ मैगजीन दैट इज प्रम स्पेसिफिक पूरे का पूरा मैगजीन है

इकोलॉजी एनवायरमेंट है आगे पीछे वाला भी जो आपका रिक्वायर्ड है इकोनॉमी है आई आर है, है, जो, जो सिर्फ करंट में है न्यूज है वही दो चार वर्ड है नहीं उसके न्यूज के आगे पीछे वाला भी जो रेटेड इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट को प्रसपेक्टिव से चाहिए होता है जिस स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए आप इस ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ ये